प्रदान कीजिएगा। थैंक यू रानी जी। और अब आप फिर आप लोग मीडिया वाले बंधु इधर आ गए, आप अपनी जगह पर हैं, चीजें थोड़ा सा ये हो जाता है। रानी आप बैठे, आप जा क्यों रही हैं? एक बहुत दिनों बाद मिले सर, एक बार अभी ये जगह खाली हो जाए तो अभी बड़ा गुदगुदी वाला अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। सभी लोग एक बड़े भाई के रूप में देखते हैं, वैसे देखता है तो गाना मैं दुल्हन गाता हूँ। का करब अगर कहीं प्यार हो गए, का करब अगर कहीं प्यार हो गए, मुझे एक नजर मिला रहे दिलदार हो गई, का करब अगर कहीं प्यार हो गई, नैना मिला के बढ़ी गई लिया गे लागल की कुछ मुंह से बोली, कुछ दूर जाके मुड़ के भी देखलस हाँ हम लगली देखे रंगोली, हम लगली देखे रंगोली, धक धक बढ़ल जैसे लगल इकरार हो गई, मुझे एक नजर मिला रहे दिलदार हो गई, का करब अगर कहीं प्यार हो गई। थैंक यू सो मच। एक लाइन और मेरा फेवरेट है, खुलल के सिंह कुमार राजधानी। खुलल के सिंह कुमार राजधानी, उखाड़े सुघर देह ललचाए रानी, ते देवता ई मन कैसे मानी, ते देवता ई मन कैसे मानी। आज काजल वही ड्रेस में थी, हाँ। जब कल्पना किया था तो ऐसे ही था कि खुलल केस गच्छी, तुम्हारा चूंकि बाहर ढका हुआ है ना, इसको उतनी अंतर है। देखो भाई कि बटो ले जाके मोदी जी को भी छेड़ दिया, अभी हम अपनी दुनिया में है, सो हम कहते ही है। ये देखिए घर की बात है, अभी घर पे है भैया जी, तो घर की बात घर में ही रहना चाहिए। कि खुलल केस गच्छी, आप समझते होंगे ना, गच्छी मतलब घना, खुलल केस गच्छिन कमर राजधानी मतलब वो जुल्फे ऐसे जा रही है से कमर ही दिल्ली हो, उघारे सुघर बांह ललचावे रानी, ते देवता ई मन कैसे लाइन है कि हो पंजाब के खेतन के बीच नहर लागे, कैसे हो पंजाब के खेतन के बीच नहर। अच्छा मैं बता दूं कि मेरा जितना अनुभव है, बचपन से इतने छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं भैया जी का गाना, जो रैप आज की डेट में चारों तरफ छाया हुआ है, बहुत पहले भैया जी रैप करते थे गानों में, बहुत पहले भैया जी के गानों में रैप रहता था, और उसी इस गाने में भी रैप था कि हो तो पंजाब के खेतर के बीच नहर लागे, दिल के रक्त
तीन के रक्षा खाती तैनात बा पर्वत घाटी। अब एक अर्थ मत पूछा, खाली गाना सुना आगे बढ़ा। राम महादेव। चलिए देखिए इन खूबसूरती के आने से कैसे कैसे अभी समा बन गया। आज की शाम इससे खूबसूरत कुछ अंजाम नहीं होगा। देखिए तमाम खूबसूरती भाई, फोटो फ्रेम ले लो मीडिया वाले भाई, और हो गया अगर फोटो हो गया तो मैं दो गुणी जन से आग्रह करूंगा मंच पे रहे, मनोज जी और काजल जी, और मैं तमाम हमारे खूबसूरती को इसलिए दिखा रहा हूं कि अभी हम धरती पुत्र में दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और अब है भैया कुछ बोले। जिसमें मनोज जी हीरो हैं और काजल जी हीरोइन हैं, इसके लिए आप लोग एक जोरदार ताली। अभी पता चला। नहीं बहुत अच्छा। देखिए क्या है कि बहुत सारी एक्ट्रेस जो अभी भोजपुरी है बहुत अच्छा कर रही है, तो मैं उन लोगों के साथ बहुत अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए रानी को देख करके थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। उसके साथ बहुत सारा काम फिल्म किया, इतने समझदार लोग हैं, इमोशन सब समझते हैं। तो निश्चित रूप से मैं काजल के साथ अभी कोई तो पहली बार समय निकालूंगा, और बहुत खुश हूँ। एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है काजल, अच्छा लगेगा। फिर बाकी और भी जो जो जिनके साथ काम करना होगा करवा लीजिए, मतलब इनका कहना रानी जी है तो रानी जी के साथ भी काम अभी भी आप अनाउंस कर दीजिए, रानी जी के साथ इनका कर ही दीजिए, बोल दीजिए। लेकिन आपकी चाहत बार बार उधर ही मुड़ रही थी, चाहत और गर्दन दोनों भावना तक छुड़ गई आपकी। मैंने ये चाहते चाहते ऐसा डायलॉग बोल दिया, इसका मतलब हुआ कि हमने सेलेक्ट किया है। हम तो आपको पता है जब मैं लगातार फिल्में करता था तब भी मैं हीरोइन के लिए झगड़ा नहीं करता था। तो जी अभी तक देखिए 18 साल से हम देख रहे हैं, आपने 15 फिल्में किया, लेकिन ये एक हीरो है जो कि कभी नहीं बोले कि ये हीरोइन चाहिए, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर दे दे उसी को बोलते थे, लेकिन बाकी आजकल हीरो को आप लोग खुद समझदार हैं। एक्चुअली मनोज जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है, गर्दन घुमा देते हैं जैसे अभी भी घुमा गर्दन, अपने भाव की बात बता देते हैं, तो कुछ चीजें खामोशी बहुत बड़ी भाषा होती है। कोई बात नहीं, इसके बाद आप खड़ी हो जाएंगे जब भावोगे आप। अब काजल जी फिलहाल आप वहां हैं, अभी फिलहाल वो बाद में आएंगी, अभी आप दो शब्द बोलें। आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग।
सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अभय जी को. अभय जी ने बहुत सारे कारनामे किए हैं हमारे इंडस्ट्री में. एक कारनामे बताइए जो आप बदल दें. मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ. पहली फिल्म जो मैंने की थी अभय जी के साथ, बंधन टूटे ना, 2004 में. अभय जी उसी वक्त से लेकर अब तक अभय जी की जो जर्नी रही है वो अमेजिंग रही है. अभय जी ने हमेशा बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में. बेहतरीन और बड़े से बड़े कलाकारों को आपने लाए हैं, हिंदी से बॉलीवुड से लाए हैं. और जब मैंने शुरुआत की थी तब अक्सर आई थिंक मनोज जी हम बात करते थे कि हमारी फिल्में टीवी पर कब आएंगी, हमारा चैनल कब होगा, ऐसा कब होगा कि जब हम रिमोट दबाएंगे तो हमारी फिल्में नज़र आएंगी. वो भी एक टाइम आया. और धीरे धीरे जब लॉकडाउन हुआ तो OTT प्लेटफॉर्म अचानक से एक पॉपुलर हो गया ऑडियंस में. और तभी से मुझे इंतज़ार था कि कब भोजपुरी का OTT प्लेटफॉर्म आएगा. चूँकि मैं कई सारे वेब सीरीज़ कर रही हूँ हिंदी प्लेटफॉर्म पे, पर अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपनी पहली भोजपुरी वेब सीरीज़ करने जा रही हूँ. सो और हमारे पहला OTT प्लेटफॉर्म चौपाल के ज़रिए. थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे साथ रवि किशन जी हैं इसमें, क्योंकि रवि जी के साथ हमेशा मेरी फिल्में सुपरहिट रहीं. और रवि जी मेरी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगती है. पर्सनली उसमें बाद में आती हूँ. पर्सनली मुझे अगर कोई जोड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तो मेरी और रवि जी की जोड़ी अच्छी लगती है इंडस्ट्री में. और मनोज जी मेरे लिए सिर्फ को एक्टर नहीं है, तो मैं उनको को एक्टर की तरह नहीं ले सकती हूँ. मेरे गार्जियन हैं मुझे. मैं अब बताना चाहूँगी कि जब पहली बार जो जीवन में जो मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया था वो मनोज जी ने मुझे गिफ्ट दिया था. और नोकिया फ़ोन था. और चूँकि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ, तो मैंने हिंदी मीडियम से अपनी स्टडीज़ की हैं, तो मुझे कॉल भी लिखना नहीं आता था. मनोज जी ने मुझे बिठाकर सिखाया था कि जब भी बात करनी होगी किसी से तो ये लिख कर भेजना और तुम्हें कॉल आएगा. सो मनोज जी मेरे गार्जियन हैं, वो मेरे को एक्टर नहीं है. और हमेशा से मैं उनकी इज्जत करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी. चलिए कॉल भी तो आपने सिखा दिया. पर एक बात है कि जब मनोज जी ने कहा कि वो हीरोइन कभी चूज नहीं करते थे, ऐसा तो नहीं था. कई फिल्में बंद हुई है भाई हीरोइनों के झगड़ों में. यस वेल, ये मजाक है. बट थैंक यू सो मच. और संदीप जी, अभय जी, एंड थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हो अवधेश. होस्ट कर ही मेरा नाटक. तुम जीवन में बहुत ऐसे कम काम करते हो जो अच्छे से कर लेते हो. सो यू आर डूइंग गुड. अरे कुछ बातें चौपाल में नहीं की जाती है. बातें चौपाल में की जाती है. और मुझे यकीन है कि हम मेरी और हम सबकी पहली वेब सीरीज भोजपुरी में सुपर हिट होगी और टंका बजा देगी. चलिए चौपाल में जाते हैं, सुपर हिट होगा. मैं रवि जी अपने चौपाल पे हम लोग सब मौजूद हैं. चौपाल अपना है. आपने अभय जी के कुछ कारनामों की बात की, कारनामे बताया नहीं. अभय जी हमेशा से बेहतरीन फिल्में बनाते हैं. कारनामा नहीं, वो तो कारनामा ही है. अगर मैं भोजपुरी में कहूंगी तो भाई भौकाली तो अभय जी ही दिखलाते हैं सबको. अभय जी के फिल्म में कोई हीरो नाटक नहीं कर सकता. मनोज जी तो स्वीट है, वो तो कभी